असत्यमपि सस्तम स्याह दाप दीत्या अनुशासन। 25 नंबर के श्लोक में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर लिखाए हैं विष्णु। ब्रह्मा जी अंत, ब्रह्मा जी असत्य बोले हैं और मैं इनके ऊपर रुष्ट हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नारायण की आंख में आंसू थे। रामायण की एक चौपाई बड़ी अद्भुत, और मुझे रामायण की चौपाई बड़ी प्यारी लगती है। आप रामचरितमानस पढ़ा करें, रामायण पढ़ा करें, रामायण में जीवन का समाधान। ये तो उन लोगों का अपराध है जो रामायण का अपमान कर रहे हैं। हम और आप किसी भी वर्ण और जाति में जन्मे हों, रामायण कागज पन्ना गीता प्रेस की किताब नहीं है, रामायण साक्षात राम है, राम का घर है। रामायण राम प्लस अयन, जिसमें राम का निवास है, उसी को तो रामायण कहते हैं। रामायण में बाबा तुलसी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई डाली है और वह कहते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, साहब गाइए आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये भगवान भी ऐसा ही बोलते हैं, असत्य के समान अपराध नहीं है। हे नारायण तुम सत्य बोले, वत्स प्रश्नोस्मि हरे यतो हि स्वर्ष्मिक्षणपि सत्य वाक्यम, तुम्हारे सत्य वचन बोलने से मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं। भगवान शंकर ने कहा जब धरती पर तुम्हारा अवतार होगा, तुम्हारे सत्य बोलने से मैं तुम्हारा इतना बन गया हूं कि तुम धरती पर अवतार लोगे तो तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं धरती पर चल करके आऊंगा। वही नारायण राम बनते हैं, महादेव हनुमान बनकर धरती पर उतर के आते। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा धरती पर कहीं मंदिर नहीं होगा, तुम झूठ बोले, तुमने असत्य का सहारा लिया है, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, गर्दन नीचे कर ली, आंख में आंसू थे, रो रहे थे। भगवान विष्णु नारायण के, भगवान विष्णु महादेव के चरणों में गिर गए। शंकर जी ने उठाया, नारायण ने कहा ये वत्स आपका है, इनसे गलती हुई है, इनको आप क्षमा कर दो, इनको आप माफ कर दो। तो महादेव ने कहा और तो जगह इनका मंदिर नहीं होगा, लेकिन धरती पर एक जगह ऐसी होगी जहां पर मैं धरती पर स्वयं चल करके आऊंगा और इनकी स्थापना करूंगा, एक ही जगह होगी। वही महादेव धरती पर शंकराचार्य बन करके आए और पुष्कर की धरती पर उन्होंने इनकी स्थापना करी। पुष्कर में ही विधाता ब्रह्मा का मंदिर है। इस धरती का सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में हुआ था, विधाता ब्रह्मा ने वो पहला यज्ञ किया। एक वरदान और दिया था कि यज्ञ वही पूरे होंगे जिसमें आचार्य के साथ एक ब्रह्मा होगा।
आचार्य के साथ आज भी एक ब्रह्मा होता है। यज्ञ जब होता है, कभी भी आपके यहाँ यज्ञ होता है, कोई आचार्य पंडित जी आते हैं तो उन्हें बोल देना ब्रह्मा को जगह और दे। जब हवन करने वाले पत पत्नी दोनों स्त्री पुरुष बैठते हैं तो उनके दाहिने हाथ पर एक ईंटों से एक स्थान बनाकर एक कटोरे में, एक पात्र में या एक पतीले में चावल भर दिए जाते हैं उसमें। उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक जनेऊ रख दिया जाता है, नारियल भी रख दिया जाता है। वो ब्रह्मा जी का स्थान होता है। यज्ञ तब ही पूरे होते हैं। कर्म कांड का बहुत बड़ा विधान है। आपके यहाँ कभी यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में विधाता ब्रह्मा के स्थान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भगवान महादेव ने वरदान में दिया कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा को जगह नहीं दी जाएगी, उस यज्ञ का की आहुति देवताओं को और उस यज्ञ का फल यजमान को मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो रोज के यज्ञ हैं, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, उसमें ये सब जरूरत नहीं होती है। रोज के यज्ञ में तो पूर्णाहुति की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अनुष्ठानिक रूप से यज्ञ होते हैं उसमें यजमान के दाहिने हाथ पर ब्रह्मा जी के लिए स्थान बनाया जाता है। वहाँ पर एक पात्र में, उसको ब्रह्म पात्र बोलते हैं, उस पात्र में चावल भर दिए जाते हैं, श्वेत वस्त्र रख दिया जाता है, उस पर जनेऊ, नारियल इत्यादि ये चीज़ें रख दी जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस यज्ञ में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा, वो यज्ञ पूरे नहीं होंगे, ये बोल दिया। एक बड़ी सुंदर बात कही है, जो तुम्हारे मंदिर में तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, उनकी वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुकेगी। मैंने बहुत बार कहा है, गर्भ में संतान चल करके आवे तो नारी पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करे, जिससे गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी। क्योंकि इस धरती के रचियता वो विधाता ब्रह्मा है। उनके मंदिर के ऊपर एक मंत्र लिखा है पद्म पुराण में, जिसका व्याख्यान है ओम ब्रह्मणे नमः। गर्भ में संतान हो तो नारी को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसका असर होने वाली संतान पर होता है और वह संतान विद्वान बन करके पैदा होती है, विचारक बन करके उनका जन्म होता है। अब कहे तो इतनी जोर से आपने तालियां बजा दी हैं, कहीं धार नगरी के लोगों के कान बहरे ना हो जाए। तो यह वरदान दे दिया, दैव देव प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भगवान महादेव बोले कि आज की रात्रि से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लोग आज की रात्रि को शिव चौदस के नाम से जानेंगे, शिवरात्रि के नाम से जानेंगे।